अमानसिकता पर ब्रेक लगाने के लिए हमको ईमानदारी के साथ अच्छे पदाधिकारी जो किनारे बैठे रहते हैं उसको फील्ड में देना होगा और भ्रष्ट पदाधिकारी को साइड करना होगा। और अगर जो ऐसे लोगों को संरक्षित करिएगा तो विधानसभा के अंदर कमेटी हमारी मौन नहीं रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारे विषय से अवगत कराया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लगातार नीतीश कुमार की पुलिस पर सवाल उठाते रहते हैं। एक बार फिर लखीसराय पहुंच गए हैं और लखीसराय पहुंचकर पुलिसिया सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। आपको पता है पिछले बार भी इस तरीके का मामला देखने को मिला था, जिसके बाद बिहार विधानसभा के सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अध्यक्ष की तीखी बहस देखने को मिली थी, जिसके बाद काफी गहमागहमी भी हुई थी। हालांकि पूरा मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर देखिए जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा लखीसराय पहुंचे हैं तो उन्होंने पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है और इतना तक कह दिया है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी पैरवी करके उन्हें पोस्टिंग कर दी जाती है। जनता त्रस्त है, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले आप वो सुनिए। क्यों अपराध का, अगर आप बढ़ रहा पिपरिया में आज मर्डर जो हुआ, इसके पहले भी मर्डर हुआ, वही दरोगा है जो कि बीरूपुर थाना में था और उस दरोगा को वहां से उठा करके पिपरिया में दे दिया। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षित अगर जो हम करेंगे तो जवाबदेही तय करेंगे ना। डीएसपी और एसपी का ट्रांसफर हो जाने से क्या मानसिकता पर ब्रेक लगनी चाहिए ना। और मानसिकता पर ब्रेक लगाने के लिए हमको ईमानदारी के साथ अच्छे पदाधिकारी जो किनारे बैठे रहते हैं उसको फील्ड में देना होगा और भ्रष्ट पदाधिकारी को साइड करना होगा। यह व्यवस्था बनानी होगी। मैं तो इस बात पर जाके बात करूंगा, ऊपर डीजीपी और मुख्य सचिव से बात करूंगा कि ये बार बार क्यों तमाशा बना के रखे हैं। और अगर जो ऐसे लोगों को संरक्षित करिएगा तो विधानसभा के अंदर कमेटी हमारी मौन नहीं रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारे विषय से अवगत कराया जाएगा। तो सुन लिया आपने किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है। आपको बता दें यह कोई पहला मौका नहीं है, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं समय समय पर पुलिसिया सिस्टम पर सवाल उठाते रहते हैं। खास तौर से बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा लगातार नीतीश कुमार की पुलिस पर और उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल करते नजर आते हैं। लगातार हत्या लूट जैसी वारदात पर भी बोलते नजर आते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर अपने ही सरकार के तमाम आला अधिकारियों को संदेश दे दिया है और कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसकी जल्द शिकायत करेंगे। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराएंगे, आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और विजय सिन्हा की बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और आगे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।